और इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पीएम मोदी का शहडोल दौरा स्थगित माना जा रहा है। लालपुर और पकरिया का दौरा स्थगित हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ये जानकारी दे रहे हैं, खराब मौसम इसी वजह से दौरा स्थगित करना पड़ा है। कल शहडोल में भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया, लोगों को ना हो बारिश की वजह से दिक्कत, इसी वजह से बड़ा फैसला लिया है। इसी परेशानी को देखते हुए इस दौरे को स्थगित माना जा रहा है। जल्द ही नई तारीख का ऐलान होगा। कल हालांकि भोपाल जरूर पहुंचेंगे पीएम मोदी, लेकिन शहडोल नहीं पहुंचेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पीएम का कार्यक्रम होना है। कल 27 जून को भारी वर्षा की संभावनाओं के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। कल हजारों हजार की तादाद में जनता का समुद्र लालपुर उमड़ने वाला था, लेकिन भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और इसलिए अगर भारी बारिश हुई तो आने जाने वाली जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दौरा स्थगित किया जा रहा है। दौरा कैंसिल नहीं हुआ, जल्दी ही नई तिथि मौसम की स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री जी के लालपुर और पकरिया दोनों जगह आगमन की तय की जा रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। मैं जनता को ये अपील करता हूं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं, हमारा टेंट पंडाल और सारी व्यवस्थाएं वहां यथावत खड़ी रहेगी, क्योंकि अतिशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और जल्दी हम आपको तिथि बताएंगे। लेकिन भोपाल का माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा यथावत है। शिवराज सिंह चौहान जो कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि स्थगित किया गया है, आने वाले दिनों में तिथि भी घोषित की जाएगी। इससे कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मौसम हालांकि एक बड़ी अड़चन बनता हो, क्योंकि रोड शो भी इसीलिए कैंसिल करना पड़ा और इस वजह से ही शेड्यूल दौरा भी पोस्टपोन होता हुआ। हाँ जी, देखिए अभी अभी सीएम ने खुद ट्वीट करने के बाद अपना बयान भी जारी किया, उसमें साफ कर दिया कि शहडोल का दौरा अब आगे बढ़ा दिया गया है, अभी स्थगित किया है, तो आने वाली कुछ दिन में नई तारीख मिल सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में दो दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, इसी कारण शहडोल का जो दौरा है वो कल का निरस्त करना पड़ा। इसके पहले जो भोपाल में रोड शो होने वाला था उसको भी निरस्त किया गया था, तो ये दोनों कार्यक्रम स्थगित हुए। तो अब पीएम मोदी का भोपाल का जो कल का कार्यक्रम है, जो कि बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान है, वो उस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करेंगे। और उस कार्यक्रम के लिए भी भाजपा ने ऐसी तैयारी की कि वहां पर वाटरप्रूफ डोम है और वहां पर केवल चुनिंदा 3,000 कार्यकर्ता ही जाएंगे, तो वहां पर भी किसी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि बारिश में भी संभावना हो कि कोई आने आवागमन में कोई दिक्कत हो या किसी तरह की, तो इसलिए यह भोपाल का कार्यक्रम यथावत रखा गया है। लेकिन शहडोल के कार्यक्रम को लेकर स्थिति साफ कर दी है कि कल स्थगित है, अब आगे क्या स्थिति बनेगी वो तारीख पीएमओ से आना बाकी है, तो कार्यक्रम हो सकता है कि कुछ दिन बाद नई इसकी तारीख मिल जाए। और भोपाल का जो आयोजन है वो अभी स्थिति साफ है कि कल का यथावत रहेगा, केवल रोड शो यहाँ पर इस निरस्त रहेगा। निश्चित ही शैलेंद्र, हालांकि निराशा जरूर हुई होगी लोगों को, क्योंकि काफी लंबे समय से पीएम का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन चूंकि खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सिर्फ पोस्टपोन किया गया है दौरे को, अभी ये ना माना जाए कि दौरा पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। शैलेंद्र, ये भी जानकारी मिल रही थी कि जेपी नड्डा भी जल्दी पहुंचने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर अभी तक जानकारी होंगे? हाँ, देखिए जेपी नड्डा जो है वो भोपाल में होंगे, तो अभी कुछ ही देर में वो भोपाल स्टेट हैंगर पर पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत की भव्य तैयारियां की हुई है। और उसके बाद यहाँ से जो जेपी नड्डा है वो भोपाल जहाँ मेरा बूथ सबसे मजबूत वहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।